हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब कोई। तो आज हनुमान जयंती था और मैंने पूजा उजा भी किया है। जैसे कि रामनवमी तो हम लोग का होता नहीं है क्योंकि उस दिन ना किसी का डेथ हो गया था इनके फैमिली में से, तो इसीलिए जैसे कि स्पेशल ओकेजन पूजा पाठ में कोई डेथ हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही रामनवमी हम लोग नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ। ऐसे तो मतलब फूलमाला वगैरह चढ़ा ही देते हैं भगवान जी को, लेकिन बड़ा करके कुछ भी नहीं करते हैं। और हनुमान जयंती मतलब नॉर्मली हम लोग पूजा करते हैं, आज के दिन ही हम लोग झंडा लगाते हैं क्योंकि रामनवमी के दिन तो नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए सब कोई तो रामनवमी के दिन ही फ्लैग लगाते हैं, लेकिन हम तो आज के दिन लगाते हैं। तो वही मतलब कि मैं लगाने की कोशिश कर ही रही हूँ। और फिर उसके बाद पापा बोले कि एक काम करो तुम हमको दो, क्योंकि फिर तुम ऊपर में मतलब कि टेबल के ऊपर चढ़ोगी और ऐसे भी मतलब हाइट से ना हमको बहुत डर भी लगता है, मतलब ऑटोमेटिक मतलब नीचे ही नज़र पड़ जाती है। और पापा को भी हम बोल नहीं पा रहे हैं डर से, क्योंकि फिर उनको भी लेके रिक्स है ना। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, क्या करें, कोई तो है नहीं किसको बोलेंगे। तो हस्बैंड का छुट्टी होता तो वो कर देते सब कुछ, तो वो तो जल्दी निकल गए थे दुकान के लिए। और फिर वही मतलब कि मैं हेल्प कर दे रही हूँ पापा का। और आज बच्चे लोगों का तो छुट्टी है नहीं, तो इसीलिए बच्चों को लेके मैं स्कूल जाऊँगी। और फ़िलहाल मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ, थक गई हूँ पूरा स्कूल से आके। उसके बाद फिर मैं कुकिंग करने जाऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं सो गई हूँ। हेलो एवरीवन, अभी तो मैं नीम पत्ता छोड़ा रही हूँ, ये देखिए बहुत कुछ काला काला भी हो गया है। तो मेरी नीम बेगुन बना दें, नीम बेगुन बना रही हूँ। और इधर बन रहा है अंडा, यहाँ पे बन रहा है अंडा। अंडा मैंने फ्राई नहीं किया है क्योंकि जो अंडा है ना, मैं जब भी मैं फ्राई करती हूँ ना तो मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से मतलब कि फटता है, जैसा लगता है कि यूक्रेन से आया हुआ बॉम्ब हो, बॉम्ब की तरह फटता है। और फिर तेल का छींटा पड़ता है तो मेरा हाथ में एक बार लग गया था, इसीलिए मैं अंडा फ्राई भी नहीं करती हूँ डर की वजह से, कि कहीं ऐसा ना पट 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 ऐसे करके आवाज़ होता है और जो तेल का छींटा है ना वो पड़ने लगता है। तो इसीलिए हम ऐसे ही मतलब कि डाल दिए बॉयल करके। ओ वाह, कितना अच्छा लुक लग रहा है, देखो तो आलू तो गला है कि नहीं, गल गया है, कितना अच्छा लुक लग रहा है ना। जो छोटा साइज़ का आलू होता है ना जल्दी गलता नहीं है, लेकिन बड़ा साइज़ का आलू ठीक गल जाता है। चलो निकाल देते हैं, ऐसे ही हमको छोड़ देते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा तेल तेल ऑयल वाला। अरे वो खाओ तो एकदम बिंदास खाओ, मजे से खाओ। দেখেছেন খেতে ইচ্ছে করছে না, আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না, দেখি আমার খিদে পেয়ে গেছে। এবার একটু নিম বেগুনটা করে নি, তেল খুবই গরম নেই হুয়া গরম হোক আচ্ছে সে अच्छा एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जैसे कि पूर्णिमा, चैत का पूर्णिमा 6 तारीख को ही लगा था है ना, तो मैंने खबर में न्यूज़ में सुना कि उस टाइम पिंक मून दिखाई देगा। तो मैंने तो भाई देखा, क्योंकि वैसे ही तो हम मेरा रात हो ही जाता है ठीक है,
वो आते ही हैं उतने देर से, फिर उसके बाद मेरा सारा काम कंप्लीट होते होते मेरा रात को 1 बज जाता है, मतलब उसके बाद मैं बेडरूम में जाती हूँ सोने के लिए। तो मैं तो गई थी छत में, मैंने देखा तो ऐसा कुछ खास तो नहीं दिखा, हल्का सा पिंक, मतलब कि जो माइंड में सोच के जाते हैं इंसान वही दिखता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ तो नहीं कुछ दिखा नहीं। हाँ, लेकिन अदर्स डे, जैसे कि अदर्स जो पूर्णिमा होता है, नॉर्मल पूर्णिमा, उस दिन भले मैं देखती हूँ बहुत बड़ा रहता है चंद्रमा यहाँ, मतलब कि लुक भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है लुक। तो आप लोगों ने अगर देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सिर्फ कलकत्ता से तो सब कोई तो मेरा वीडियोज़ नहीं देखते हैं, और भी अदर सिटी से भी सब्सक्राइब करके रखे हैं सब कोई। और हाँ, कल जैसे हनुमान जयंती था, तो मैं जैसे पूर्णिमा के दिन खीर उर बनाती हूँ, खीर बना के जैसे जो भी पूर्णिमा रहता है, जैसे चैत का हुआ, राखी पूर्णिमा हुआ, आश्विन का पूर्णिमा हुआ, कार्तिक पूर्णिमा हुआ, ये सब में ना मैं खीर उर बनाती हूँ, पायस बनाती हूँ और चंद्र भगवान को चढ़ाती हूँ। तो कल भी गई थी और भगवान जी को चढ़ाएं, और वो जो है ना वो एक तरह का प्रसाद बन जाता है, और उसको खाना भी चाहिए। खाने से क्या होता है, शरीर में जितना रोग बीमारी, जितना भी दुख तकलीफ, ये जो हम लोग कुछ ना कुछ होते रहता है आजकल, तो मतलब जो समय है वो हो गया है कि वो एक तो ना एक तो बीमारी लगा ही रहता है, ठीक है। तो ये सबसे क्या होता है ना, एक तरह का टोटका है जो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी मोबाइल से ही मतलब कि देखा है मैंने, और मेरी मम्मी ने उसके पहले ही मेरी मम्मी ने बोल दिया था कि देख ऐसा ऐसा करेगी, ठीक है, जैसे कि जो भी होता है ऐसे करना, तो उससे क्या होगा कि बच्चे लोग हैं, फैमिली है, उन लोगों को खिलाना प्रसाद की तरह होता है, मतलब कि इससे क्या होता है रोग बीमारी दूर भाग जाते हैं। एक तरह टोटका है मानने का, देखो मानने को तो बहुत कुछ ही, नहीं मानने को तो कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का भी भला हो, अच्छा हो, तो आप लोग भी कीजिएगा। चलो बातों बातों में मैं भूल गई, मेरी बेटी तो नहा ली है, उसका रेडी हो गया सब कुछ, मैं खाना निकाल देती हूँ, नहीं तो मेरी बिल्ली जो है ना म्याऊं-म्याऊं करके मुझे माथा मेरा माथा ख़राब कर देगी, क्योंकि उसका आज फेवरेट खाना बना है ना, नीम लेमन तो खाएगी नहीं, तीता चीज़, तो उसका तो अंडा है, अंडा मेरी बड़ी बेटी को भी और उसको भी दे देती हूँ छोटी को भी। वाह यार, आई एम प्राउड ऑफ यू, ताली बजाने का मन कर रहा है आप लोगों के लिए। ये देखिए, मैं यही वीडियोज़ देख रही थी और इसमें व्यूज़ आए हैं 5.4K, मतलब समझ रहे हैं 5000 से भी ज़्यादा व्यूज़, और इसमें मैंने किया ही क्या है, कुछ भी नहीं कुछ, मतलब कि इसमें जो लिखा हुआ है वो तो ऑब्वियसली है नहीं, मैंने जितना भी हो लेक्चर ही दिया आप लोगों के। हाँ, और मेरा वही सवाल था कि इससे क्या होगा, मतलब मुझे जानना था, उसका तो कोई कमेंट किया नहीं है, उल्टा बोल रहा है कि आप ये वीडियोस जो थंबनेल में दिखाए हैं ऐसा वीडियोस आपने रियल में क्यों नहीं बनाए, हम लोगों को उल्लू क्यों बनाए तो उल्लू आप लोग उल्लू मुझे बन मतलब कि मुझे बना सकते हो, यहाँ जितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों को उल्लू बना सकते हो, तो क्या हम लोग नहीं बना सकते उल्लू? दुनिया में कितना मतलब कि कितनी तरक्की, कितनी ऊंची जा रही है डाउन में वो दिख रहा है, दुनिया का क्या सोच है, वाह कमाल है। इस सोच को लेकर तो मैं तो क्या बोलूँ, मुझे तो इस दुनिया से दूसरा दुनिया में ले जा रहा, मतलब कि हमको दूसरा दुनिया में ले जाओ, हमको इस दुनिया में नहीं रहना, क्योंकि इस दुनिया का जो सोच है ना इतना नेक और इतना हाई सोच है कि मैं मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी क्या क्या करने बोलते हो यार आप लोग भी, पता नहीं समझ में नहीं आता है। जब हम ये वीडियोस देख रहे थे तब हमको खुद ये सब देख के उल्टी आ रहा था, पता नहीं आप लोगों को ऐसा अच्छा लग रहा है ये सब देख कर, ऊपर से जानते ऊपर से एक तो वीडियोस में मैंने देखा कि उसमें बंगाली वाला था, तो उसमें थंबनेल में लिखा हुआ था कि आज की आमार बगलेर चूल चेंछे दिए हमको इतना अजीब लग रहा है, हम उसको देखे भी नहीं बाबा, हमको देख हमसे ये सब देखा नहीं जाएगा, ये सब बहुत हमको घिनना लगता है, अपना चीज़ हो ठीक है, हाँ अपना सब कुछ प्यारा लगता है, लेकिन किसी और का ना बाबा हमसे नहीं होगा, पता नहीं कैसे आप लोग ये सब मतलब कि रिक्वेस्ट करते हो ये सब वीडियोस देखने के लिए। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो लोग ऐसा नहीं सोच रहे, मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रही, मैं
उन लोगों को ही मजाक उड़ा रहे हो जो ऐसा नीचा, मतलब कि ऐसा घटिया सोच में है। तो ऐसे मतलब कि बाकी बुरा मत मान लेना आप, वैसा नहीं है कि मैं एकदम से कुछ भी ना करूँ। हो सकता है कि मेरा मूड बन जाए मैं वीडियोस बना लूँ, और वो कब बनाऊँगी वो मुझे भी नहीं पता। ये मत सोचिए कि हाँ ये हर चीज़ में हर वीडियोस में झूठी बोलती रहेगी, ऐसा नहीं है। सब मेरे मूड के ऊपर है, मूड होगा तो ठीक, नहीं मूड होगा तो कुछ नहीं। तो इसीलिए मेरा वीडियोस हमेशा देखते रहिएगा और मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो अभी के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट। तो सॉरी, हाँ गुड नाइट ही बोल रही हूँ एक्चुअली मैं, क्योंकि मुझे तो मेरा काम हो गया, वहाँ सब कुछ हो गया है, मैं खाना वाना खाऊँगी। और ठीक है, बाय बाय, आप लोग ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।